तक हम बेसिक आइडिया हमारा स्टार्ट करते हैं बच्चों कि वेन डायग्राम्स होते क्या हैं। ठीक है, तो बस एक सेकंड और देख लेते हैं। एक सेकंड, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? वेन डायग्राम्स। ठीक है, वेन डायग्राम्स। ओके, अब ये देखो कि आपके पास जो वेन डायग्राम्स हैं कि वो वेन डायग्राम्स में क्या होता है बेसिकली। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, तो जो वेन डायग्राम आपके पास होगा, वेन डायग्राम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। यानी कि कोई भी मैं जो बात कह रहा हूं या कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं, एक लॉजिकल स्टेटमेंट, उस लॉजिकल स्टेटमेंट को आपने क्या करना है, उस लॉजिकल स्टेटमेंट को एक पिक्चर की फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? पिक्चर की फॉर्म में बनाना है। तो वो मेरे पास क्या होगा? एक वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन होगी। अब एक बात को देखिएगा, अब यहाँ पिक्चर की फॉर्म में ये नहीं है कि आदमी बनाऊंगा, घोड़े बनाऊंगा, हाथी बनाऊंगा, नहीं, हमें ब्लॉक्स बनाने होते हैं। अब वो ब्लॉक्स आपके पास क्या हो सकते हैं? वो ओवल शेप भी हो सकता है, वो स्क्वायर शेप भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सबसे ज्यादा जो शेप आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी ओवल शेप या सर्कल शेप। अब वेन डायग्राम में हमारे पास बेसिकली तीन टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे टाइप 1 क्वेश्चन। जो मेरे पास फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे, अभी देखो कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं? एक रिलेशनशिप बतानी है। एक्चुअली में तो कोई भी मेरे पास एक्चुअली में तो कोई भी मेरे पास अगर वेन डायग्राम आता है तो उसका मतलब होता है एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना, एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना। वो मेरे पास क्या कहलाता है बच्चों? वेन डायग्राम कहलाता है। ठीक है, तो अब उस वेन डायग्राम को हमने क्या कहा? रिलेशनशिप बताना भी कह दिया। ठीक है, तो जो हमारे पास टाइप 1 क्वेश्चन है वो प्योर प्योर आपके पास रिलेशनशिप को बताएगी। अब हमारे पास कितने तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं वो देखते हैं। अब मैं जिन रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ वो रिलेशनशिप है बच्चों जिस रिलेशनशिप के बारे में हम मैथ्स में या रीजनिंग में पढ़ते हैं। मैं वो रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा जो हमारी फैमिली में होती है। ठीक है, अब एक बात को सुनिएगा। तो हमारे पास क्या होगा? अगर मैंने ये कहा, एक होता है ओल, एक होता है सम और एक होता है नन, या फिर इसको नो भी कह देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती हैं? तीन तरह की रिलेशनशिप्स होती हैं। ओके, अब एक बात को सुनिएगा। अब हुआ क्या? ऑल, सम एंड नन, ये आपके पास क्या थी? रिलेशन थी। अब ऑल का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है और नन का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ऑल का मतलब होता है वन साइडेड रिलेशन
ऑल का मतलब क्या होता है? वन साइडेड. सम का मतलब होता है टू साइडेड. और इसमें तो नौ में तो कोई साइड होती ही नहीं है. यहां तक क्लियर है सभी को? बताओ मेक सेंस और नॉट? यस बताओ सबको क्लियर है यहां तक? यस और नॉट? ओके सर प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन. ओके फ्रॉम द स्टार्टिंग? नो सर दिस ऑल सम नन. ओके मैंने कहा हमारे पास तीन तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं. एक होता है ऑल, एक होता है नन और एक होता है सम. अब ऑल को हम कहते हैं वन साइडेड, सम को कहते हैं टू साइडेड और जो नन है उसका मतलब होता है मतलब कोई भी साइड की बात ही नहीं हो रही है उसमें. तो वो एक अलग से केस है, वो बाद में देखेंगे. ठीक है तो ये वन साइडेड टू साइडेड का मतलब क्या है वो मैं बताऊंगा. यहां तक अभी क्लियर है सभी को? यस सर. अच्छा अब ये सुनना, एक एग्जांपल लेते हैं उससे ज्यादा क्लियर होगा. जी जैसे कि मैंने आपके पास एक एग्जांपल लिया, पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन ही है ये. मैंने एक तो लिया मैन और एक लिया ब्रदर. इन दोनों सेट को मुझे क्या करना है? वेन डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. अब एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं ऑल मैन आर ब्रदर कि सारे के सारे, देखो ऑल बोल रहा हूँ ऑल, क्या मैं ये कह सकता हूँ ऑल मैन आर ब्रदर कि जो कुछ होते हैं वो सारे आदमी भाई होते हैं? ऐसा तो नहीं कह सकता. हो सकता है किसी आदमी का भाई ना हो. हम यहाँ पे ब्रदर वो नहीं लेके चलते, हाँ दोस्तों में भी हमने कह दिया ये मेरा भाई है, वो भाई नहीं. हो सकता है ना कोई आदमी जिसका भाई ना हो, तो ये तो नहीं हुआ. लेकिन अगर मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करूं, एक बात बताओ, क्या ये जरूरी है ना जितने भी ब्रदर होंगे वो सारे के सारे मैन होंगे? बोलो यस और नो. यस सर. तो इसका मतलब देखो, मैं दो तरफ से जब जगह को रिलेशन को चेक कर रहा हूँ तो एक ही तरफ मेरे पास सेटिस्फाई हो रही है ना, दो तरफ से तो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा. इसलिए यहाँ पे जो रिलेशनशिप लगेगा वो ओल का लगेगा. ओल का लगने का मतलब क्या हो गया? अब मैं ये कह सकता हूँ ये सारे के सारे ब्रदर थे, ये सारे के सारे क्या थे? ब्रदर. जॉकी क्या होंगे? मैन भी होंगे. तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ मैन मेरे पास एक बड़ा बॉक्स है जिसमें ब्रदर एक छोटा बॉक्स है. अब बड़े के अंदर छोटा कब जाता है? जब छोटे वाला बड़े की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे. अब ये देखो ब्रदर, ऑल ब्रदर्स आर मैन, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है. तो मेरे पास ऑल रिलेशन का मतलब क्लियर हुआ? बोलो यस और नो. यस सर. करवाऊं फिर आगे नेक्स्ट? सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर. ओके गुड. फिर आपके पास जो नेक्स्ट आता है, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया रेन और वाटर का. अब एक बात बताओ, क्या सारे का सारा पानी बारिश का होता है? नो सर. लेकिन सारी की सारी बारिश में पानी आता है? बोलो, सारी की सारी बारिश में पानी आता है या नहीं आता? इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं थी. ऐसी बारिश कौन सी होती है जिसमें पानी नहीं आता? बोलो. Yes, sir, got it. तो इसका मतलब यहां से ये वाला रिलेशन तो वेरीफाई है, यानी कि वन साइडेड रिलेशन है मेरे पास कुल जिंदर. तो इसको मैं ये लिख सकता हूं All rain is water. बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? Everyone. Okay, तनु, सुनिधि, जसलीन. Okay. Where is Surbhi today? Surbhi is not present today. Yesterday also she was absent. Okay. Next, vehicles and cars. Now check it out. क्या यहाँ पे ओल वाला रिलेशन मेरे पास सेटिस्फाई करेगा या नहीं?
यस सर करेगा ना कुलजिंदर वंशिका जसलीन सुनिधि तनु देखो yes, sir. क्योंकि मैं ये तो कह सकता हूँ कि सारी की सारी कार व्हीकल्स होती हैं लेकिन सारे के सारे व्हीकल्स क्या कार होते हैं नहीं होते तो वन साइड रिलेशन है मेरे पास तो क्या लिखूंगा अंदर कार और बाहर में व्हीकल क्लियर है ये yes. अच्छा फिर जो आपका नेक्स्ट आता है मैंने कहा टेबल्स एंड फर्नीचर आप सारे के सारे टेबल्स को फर्नीचर कह सकते हो लेकिन क्या सारे के सारे फर्नीचर को टेबल कह सकते हो नहीं कह सकता no, sir. इसका मतलब खाली वन साइड रिलेशन है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा ओल वाला रिलेशन बनेगा चेक करना आ रहा है कैसे कर सकते हैं पता करते हैं लिखते के साथ यस सर अच्छा ये हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े ओल के लिए आई थिंक मुझे लगता है अब ये जो ओल वाला जो रिलेशनशिप है वो आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया है यस सर अच्छा अब अगर मेरे पास ओल वाला रिलेशनशिप क्लियर हो गया है तो अब जो मैं बात करूंगा मेरे पास वो करूंगा मैं सम वाले रिलेशनशिप किसकी सम वाले रिलेशन की मैं क्या करूंगा बात करूंगा अब ये देखिएगा सम वाला मैंने क्या कहा डबल साइडेड होता है यानी कि दोनों तरफ से हमारे पास क्या होना चाहिए सेटिस्फाई होना चाहिए तो अब एक बात को सुनिएगा जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको टीचर और मैन टीचर और मैन अब एक बात बताओ दुनिया के सारे टीचर्स तो मैन नहीं हो सकते लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं ना कि कुछ टीचर्स मेरे मैन हैं और मैं ये भी कह सकता हूँ कि कुछ मैन मेरे पास टीचर्स हैं बोलो yes. कह सकता हूँ ना मैं ये yes. तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया दोनों तरफ से रिलेशनशिप बन रहा है वो भी सम का बन रहा है तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया ये जब टू साइडेड रिलेशन इसी तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया टू साइडेड रिलेशन अब टू साइडेड रिलेशन का मतलब ही क्या है जो दोनों तरफ से सेटिस्फाई करे तभी मैं देखते के साथ क्या लगा दूंगा सम का रिलेशन सम आएगा तो देखो वेन डायग्राम कैसे बनता है वेन डायग्राम आपका कुछ इस तरह से बनता है सम के अंदर ठीक है सम वाले केस में मेरे पास जो वेन डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को क्योंकि कुछ पोर्शन तो मेरे पास आएगा टीचर का कुछ पोर्शन आएगा मैन का ये कॉमन पोर्शन है ये वो पोर्शन है जो शेड करा जो वो है जो टीचर भी है और मैन भी है बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को अच्छे से ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब आपके पास जो नेक्स्ट आता है वुमेन और डॉक्टर यस गुड इवनिंग अब आता है एक आपके पास वुमेन एंड डॉक्टर अब देखो इसको वेन डायग्राम की फॉर्म में लिखें तो हमें पता है मैं ये कह सकता हूँ दुनिया की कुछ वुमेन ऐसी होंगी जो डॉक्टर्स होंगी लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो वुमेन भी होंगे तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि ये भी दो साइड का रिलेशन है टू साइड रिलेशन मेरे पास बन रहा है वुमेन डॉक्टर्स भी हो सकती हैं और डॉक्टर्स वुमेन भी हो सकती हैं दोनों तरफ से सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरे पास जो रिलेशनशिप आएगा वो कौन सा आएगा सम का आएगा और सम के केस में मैंने क्या कहा था आपके पास ऐसा वेन डायग्राम बनेगा बोलो यस और नो यस क्लियर है ये सभी को ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं यस कुलजिंदर परवेज आपको क्लियर है सभी को यस सर ओके यस सर वेरी गुड ओके जस्ट गिव मी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट जैसे कि अब आपके पास आता है कोई कहता है सिंगर और डांसर हो सकता है कि कुछ सिंगर ऐसे हों मेरे पास जो डांसर भी हों
हो सकता है कुछ डांसर ऐसे हो जो सिंगर भी हो मेरे पास, तो ये भी टू साइडेड रिलेशनशिप है, तो इसको भी सम से रिप्रेजेंट करूंगा मैं। बोलो क्लियर हो गया ये? ओके, यस तनु, सुनिधि, परवेज, कुलजिंदर, यस, ओके, चलिए। तो देखो आप लोगों ने अभी कौन सा रिलेशन पढ़ लिया था, अब आप लोग पढ़ चुके थे सम के बारे में, यानी कि टू साइडेड, क्लियर हो रहा है ना? अब मेरे पास आता है नो वाला, नो रिलेशन, जिसमें कोई रिलेशनशिप बन ही नहीं सकता। जैसे मैंने कह दिया बॉयज एंड गर्ल्स, क्या बॉयज एंड गर्ल्स में कोई रिलेशनशिप बनेगा? ठीक है, हां जी भारती, क्या रिपीट करना है आप मुझे बताएं एक बार, मुझे बताएं आप क्या चीज रिपीट करनी है भारती। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं भारती, आपको इसकी मैं रिकॉर्डिंग वीडियो भी दे दूंगा। वैसे थोड़ा सा आसान सा टॉपिक था, मैं जो अब करवा रहा हूँ आप उसको एक बार फोकस करें, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट हुआ है समझो आप, ज्यादा मैंने करवाया नहीं है। ठीक है, अब ये ज्यादा नहीं करवाया मैंने। देखो जैसे बॉयज एंड गर्ल्स हैं भारती, जनरली हमको क्या करना होता है, वेन डायग्राम्स में आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ, आपको एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी होती है, जो भी दो चीजें दे रखी होती है। अब जो ये रिलेशनशिप है ना, ये वो रिलेशनशिप नहीं है कि आप कहो कि भाई वो मेरे मामा लगते हैं, वो मेरे चाचा लगते हैं, ठीक है, ये वो फैमिली वाली रिलेशनशिप नहीं है। हमारे पास सिर्फ तीन तरह की रिलेशनशिप होती है, एक होता है ऑल, एक होता है सम, एक होता है नन। ऑल का मतलब क्या होता है आपके पास रीजनिंग के अंदर, कि जैसे कि मैंने कहा मैं एक टीचर हूं, तो मैं लेकिन मेल्स के ग्रुप में भी आऊंगा ना, तो मैं ये कह सकता हूं ना, आई एम ए टीचर एंड ऑल्सो मेल, तो मैं ये कह सकता हूं ना, ऑल द मेल टीचर्स आर कम इन द मेल, तो मैं ये कह सकता हूँ जो टीचर्स है वो मेल हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, जैसे कि रेन और वाटर का, आपको ये पता है जो बारिश है वो हमेशा पानी ही लाएगी, तो सारी की सारी बारिश पानी लाएगी। जब मैं सारी की सारी वर्ड को सेटिस्फाई कर पाता हूँ, तो वो मेरे पास क्या हो गया, ओल आ गया। और जब मैं ये कह दूं, जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल लिया, वो बेटर रहेगा सम वाले में लूं मैं, जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ सम टीचर्स आर मेल, और आपको पता है कुछ टीचर्स मेल होते हैं, कुछ टीचर्स मेल नहीं भी होते, वो फीमेल भी होती है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, सम का रिलेशनशिप हो गया, जिसमें कुछ हो भी सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता। यहां तक का बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया भारती? चलिए, अब जैसे कि मैंने कहा बॉयज एंड गर्ल्स, कोई रिलेशनशिप बन ही नहीं सकता, ना तो मैं ये कह सकता सम बॉयज आर गर्ल्स, ना मैं ये कह सकता सम गर्ल्स आर बॉयज, तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, ये क्या है, नन का रिलेशन। जब नन का आएगा तो उसको दोनों के सर्कल्स को अलग अलग रिप्रेजेंट करोगे, आप ये नहीं कह सकते कि वो दोनों मेरे पास एक साथ या एक दूसरे को क्लैश करते हुए आएंगे। बोलो ये चीज क्लियर है? Yes, everyone. Okay. चलिए, फिर जैसे कि आपको मैंने एक ऑप्शन लेके दिखाया एप्पल्स एंड मैंगोज, एप्पल्स एंड मैंगोज, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? अब ये मत कहना सर एप्पल भी फ्रूट है और मैंगो भी, हाँ वो तो मान लिया, क्या मैंने फ्रूट नाम का कोई वर्ड लिखा है यहाँ पे? फ्रूट नाम का तो मैंने वर्ड, नो सर, अगर मैं फ्रूट नाम का वर्ड लिखता तो अलग बात थी, वरना तो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन लिया बॉयज और गर्ल्स का, कोई आदमी ये भी कह सकता है दोनों के दोनों ही ह्यूमन बींग्स है ना, लेकिन ह्यूमन बींग्स तो मैंने लिखा ही नहीं, मैंने तो क्या लिखा खाली एप्पल एंड मैंगो, फ्रूट तो लिखा ही नहीं। इसका मतलब ना तो मैं ये कह सकता कि कोई एप्पल मैंगो है, ना मैं ये कह सकता कोई मैंगो मेरे पास एप्पल है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, और कोई दो रिलेशनशिप नहीं होगी तो उन दोनों को ऐसे बना दूंगा अलग अलग सर्कल। बोलो क्लियर है? यस सर। जैसे कहा जयपुर एंड लखनऊ,
जयपुर और लखनऊ दोनों ही क्या है, अलग अलग है ना। मैं ये कह सकता जयपुर में लखनऊ है, ना मैं ये कह सकता लखनऊ में जयपुर है। दोनों क्या होंगे, अलग अलग, तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। बोलो इस नौ का मतलब क्लियर हो गया आप अच्छे से? यस गुड सर। आई वांटेड टू आस्क वन थिंग दैट दीस questions will come only in one pair, like only two will come? No, three could be come, so we'll do some questions of three subsets of so. Okay sir. For example, I have taken one example. For example, we are given Jaipur, Lucknow and one is India. So I can surely say that India is a bigger set in which one is Jaipur and one is Lucknow. So this type of relation would be which one? This type of relation is none of these, all some and none, because this is a special kind of cascading relationship. Matlab aapne yahan par kya kiya hai, isko ek grouping kar diya hai. Actually main aapse exam mein ye nahi puchega wo aapse ki ye all hai ya some hai ya none hai. आपसे तो वो खाली वेन डायग्राम बनाने के लिए पूछेगा। अब जब वो वेन डायग्राम बनाने के लिए पूछेगा आपसे, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो आपको तो खाली वेन डायग्राम बना के दिखाना है। ये तो मैंने आपकी ईज करने के लिए आपको बताया, ओल होगा तो कैसा डायग्राम बनेगा, सम होगा तो कैसा डायग्राम बनेगा, कैसे मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ कि ओल है या सम है। ओके सर। श्योर एवरीवन? यस सर। ओके। अब मैं कुछ आपको पर्टिकुलरली ऑप्शंस बताता हूँ। ऑप्शंस का मतलब जो एग्जाम में ऑप्शंस आते हैं, कुछ सात आठ ऑप्शंस लिख के बताता हूँ। एग्जाम में इन सात आठ ऑप्शन से बाहर कभी ऑप्शन आ ही नहीं सकता इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब ये देखिएगा कि जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है मतलब, अगर मैं एक ऐसी पिक्चर बनाता हूँ, देखो ये तीन सेट बनाए मैंने, एक के अंदर एक के अंदर एक, तो ये तीनों क्या होते हैं, ऑल 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 को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऑल 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 को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करा ऑल 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 को रिप्रेजेंट, जैसे कि मान लो मैंने ये कहा एक दे रखा है जयपुर, जयपुर किस में है, राजस्थान के अंदर। फिर एक दे रखा है मैंने इंडिया, तो देखो तो मैं ये भी कह सकता हूँ राजस्थान भी मेरा इंडिया में, जयपुर भी मेरा इंडिया में, तो सारे के सारे ऑल हो गए। यस क्लियर हुआ है सभी को? यस यस वंशिका, सुनिधि, तनु, ओके, भारती, कुलजिंदर, यस सॉरी टू से बट मुझे इसका नाम नहीं पता, रियल मी सी टू, यस हु इज दिस, ओके, नाउ लेट्स। अच्छा अगर मैं ये तीन बना दूं अलग अलग, तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों में कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है इन तीनों में, सब तीनों अलग अलग जा रहे हैं। क्लियर है? एक को डॉग कहा, एक को मंकी कहा, एक को काऊ कहा, तीनों ही क्या है, अलग अलग हैं, तो इसलिए मेरे पास क्या हो गया, नो रिलेशनशिप हो गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ओके। जैसे कि मैंने अभी कहा आपके पास, ये ए मान लिया, बी मान लिया और ए सी, इसका मतलब मुझे बता सकता है आप में से कोई क्या है? इसका मतलब आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या है इसका मतलब? नहीं नहीं इंटरसेक्शन नहीं, आप महस नहीं करेंगे अब यहाँ। वेरी गुड जसमीन, इसका मतलब है सम। वो आपका भी वैसे तो भारतीय आपका आंसर कुछ हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखो रीजनिंग की टर्म्स में हमें इसे कैसे पढ़ना होगा। वो ये कहता है ए का कुछ पार्ट बी में आ रहा है, बी का कुछ पार्ट सी में आ रहा है, सी का कुछ पार्ट ए में आ रहा है,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों के तीनों मेरे पास सम का रिलेशनशिप सेटिस्फाई कर रही हैं, तीनों के तीनों क्या कर रही हैं मेरे पास सम का रिलेशनशिप सेटिस्फाई कर रही हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक सबको? ओके, अब जो नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चंस अब इसके ऊपर हम, चलिए जैसे कि आपको मैंने ये कहा कैट्स पैट्स एंड डॉग्स, कैट्स पैट्स एंड डॉग्स, तो इसके अंदर कौन सा रिलेशनशिप आएगा? बताओ इन तीनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप आएगा? सम। बिल्कुल। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पर ये भी कहते हैं कि सर सारे के सारे डॉग्स क्या होते हैं, पेट होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास आपको पता है रियल लाइफ के अंदर कुछ जंगली डॉग्स भी होते हैं, वाइल्ड डॉग्स जिसको कहते हैं, जिसको हम घरों में पेट बनाकर नहीं रख सकते। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास सारे के सारे डॉग्स क्या होते हैं, पेट नहीं होते। तो पेट तो मेरे पास बीच में आएगा, मैं कह सकता हूँ कुछ इस तरह से, बोलो। अभी सम ये वाला नहीं बनाना आप लोगों ने, क्योंकि आप ये देखो ये डॉग मान ले ये कैट, तो आप क्या कह रहे हो कुछ कुत्ते मेरे पास कैट्स हैं या कुछ कैट्स मेरे पास डॉग्स हैं, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। No. तो मेरे पास ये वाला रिलेशनशिप नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा। क्लियर है ये सबको? यस, वेरी गुड। चलिए अच्छा, एक और चीज अनाउंसमेंट है कि प्लीज मीटिंग को दोबारा से ज्वाइन करिएगा जैसे ही मीटिंग क्लोज होती है, ठीक है? अब जैसे कि ये तो मैंने ले लिया, कहता है पायलट स्काई और प्लेन, पायलट स्काई और प्लेन कैसा बनाऊंगा? देखना एक तो बनाकर दिखाता हूं प्लीज। आपको ये पता है सबसे पहले तो मेरे पास जो पायलट होगा वो कहां पे होगा? प्लेन के अंदर होगा। और जो प्लेन होगा मेरे पास वो कहां पे होता है? स्काई में होता है। तो क्या ऐसा बन जाएगा मेरे पास डायग्राम? बोलो। क्लियर हुआ ये? So the question can be given jumbled also like sky, plane, pilot. Anyway. ऐसा भी हो सकता है कि sky पहले दे दे या कुछ पहले दे दे आपको। Okay, you were asking the same thing ना which I have told. Yes sir. Okay. चलिए next. Shirt, tie और pant. Shirt, टाई और पैंट, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप हो सकता है बता सकते हो? So nothing. Very good. कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। एक बात बताओ, शर्ट की जगह पैंट नहीं डाल सकता, पैंट की जगह टाई नहीं डाल सकता, है ना? और प्लीज कोई ये मत सोचना प्लीज, ठीक है, कि सर हम जो शर्ट है उसको पैंट में टक करते हैं तो वो पैंट के अंदर शर्ट आ गई, और जो टाई है मैं शर्ट के ऊपर डालता हूं तो शर्ट के ऊपर टाई आ गई, ठीक है? ऐसा तो हो सकता है ना मेरे पास कि मैं, अब जरूरी थोड़ी ना कि टाई होती है वो कोई शर्ट के ऊपर ही डालता है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना। आजकल तो लोग टी शर्ट के ऊपर भी डाल लेते हैं। क्लियर है? yes, फिर आता है इंजीनियर्स बॉयज एंड सिंगर्स। ओह यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इंजीनियर सिंगर एंड बॉयज, देखो क्या बनेगा ये सम। हाँ सम वाला बिल्कुल, जो मैंने जो सम का बताया था वो, ये इंजीनियर है, हो सकता है कुछ इंजीनियर सिंगर्स हो और हो सकता है कुछ बॉयज हो,
अब मैंने ये वाला क्यों बनाया, क्योंकि देखो ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ इंजीनियर्स जो कि लड़के थे वो सिंगर हूं, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? Yes, sir, please repeat. मैं ये कह रहा हूँ हम ये वाला बनाएंगे सम, या फिर मैंने एक ये वाला सम बनाया था, कौन सा सम बनाएंगे? First one. क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो ये वाला रीजन है, कहता है कुछ ऐसे लड़के जो कि सिंगर भी हैं और इंजीनियर्स भी हैं, हो सकता है। अच्छा आपको एक और चीज होता, फिर आपको अच्छे से क्लियर होगा, अगर मैं यहाँ सिंगर की जगह लिख देता एक्टर, तो आपके पास आजकल तो लाइव एग्जाम्पल है, आजकल तो टीवी में उसके अलावा कुछ चल ही नहीं रहा। हमारे सुशांत सिंह राजपूत वो एक इंजीनियर थे, आप सबको पता है ना? Yes, sir. बॉय भी थे वो, और आपको पता है वो एक्टर भी थे। Yes, sir. क्लियर है ना? देखा राजपूत के नाम से सब कुछ याद आ गया, सुशांत सिंह राजपूत के नाम से। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा क्लियरली सबको ऐसे बस सब बताऊं? यस तनु, सुनिधि, जसलीन, ओके, भारती, कुलजिंदर, यस। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास, यस सर, ओके, वेरी गुड। टीचर्स वुमन एंड इंजीनियर, टीचर वुमन एंड इंजीनियर, इसमें कौन सा? सर सम, सम वाला जो अभी किया था जो। यस सर, बिल्कुल, क्योंकि कुछ इंजीनियर जो कि फीमेल हो सकती हैं और वो टीचर भी हो सकते हैं। किसी को ऐसा तो नहीं लगता ना, जो इंजीनियर होता है वो कभी टीचर नहीं हो सकता? कोई है सर? सर सर वी कैन कीप, सर वी कैन कीप लाइक द टीचर यू हैव केप्ट इन द लास्ट वन, लास्ट सर्कल, and E you have kept in the first and W you have kept in the second. So sir, it's our choice, no, in whichever we want to. Ha. It is your choice. It doesn't make any difference that whether you will put E first or W first. Okay. Otherwise, in the exam, there will be some options available to you, na. So you need to select from the options. Okay, sir. Yes, sir. Okay. चलिए फिर मेरे पास आता है रेन, वॉटर एंड लेक, रेन, वॉटर एंड लेक, अब बताओ क्या हो सकता है? Not exactly the sum. This is not so true. Sir, all. Look. As I know that this is a bigger source of water. क्योंकि water हमारे पास पानी यानी कि rain से भी मिलता है और lake से भी मिलता है. तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये rain है और ये मेरे पास lake है. बोलो. Yes, sir. तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये क्लियर है सबको? Under which category would it fall into? It will not be a category. मैंने कहा था ये आपके पास कैस्केडिंग हो जाता है फिर. Okay, sir. Okay. Yes, भारती, now it is clear? Yes, समझ आ गया भारती आपको अभी? Okay. Now move to the next. Okay, we are having female mothers and children. Female mother and children. आपको ये बताना है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा. Female mothers and children.
So female would be outside circle, inside that it would be mothers and children. Do you want to like something this? For example, यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये mother है. जितनी भी mothers होंगी वो obviously बात है female से. और जो children है उनको मैं बाहर बना देता हूँ इस तरह से, क्योंकि हो सकता है कुछ children मेरे पास female भी हो. ऐसा बन सकता है. हो गया clear है सबको? Yes. So can this circle of C be inside the circle of F? No, not inside. उसके बाद अगर आपका कहने का मतलब है कि आपने सर्कल इस तरह से बनाया, लाइक जितना मुझे आप लग रहे हैं कह रहे हैं, इस तरह से कह रहे हो आप? Yes, sir. अच्छा इसका बात बताओ, इसका मतलब क्या होगा? दुनिया के जितने बच्चे हैं वो सारे फीमेल्स हैं? No, sir. तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, गड़बड़ हो जाएगी फिर वो तो. वो बेचारे जो नए नए लड़के छोटे छोटे पैदा हो रहे हैं वो तो पागल हो जाएंगे, है ना? ऐसे लिखना पड़ेगा फिर हमें. क्लियर है ये? Yes. तो ये वेन डायग्राम देखा ना आपने, कुछ ऐसा स्कोप है कि आपके माइंड को ये एनलार्ज कर देगा, बस आपको ये बताएगा कि हम कितने हद तक सोच सकते हैं, हमारी थिंकिंग पावर को बहुत ज्यादा ब्रॉड कर देने वाला है. अब ये देखो, एक ऐसा क्वेश्चन जिसपे हमेशा से इशू रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर भी इशू रहा है हमेशा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये. कहता है पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा, इनके बीच का रिलेशनशिप बताओ. काफी बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये. सम वाला, हाँ भारती बिल्कुल.